स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे झारखंड में आज भी कई ऐसे पुरातात्विक अवशेष हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं, लेकिन शायद हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्हीं में से एक है नागवंशी राजा दुर्जनशाल की राजधानी नवरतनगढ़। आपको बताएं कि 16वीं सदी में बने नवरतनगढ़ किले में वो सारी सुविधाएं थी जो किसी बड़े रियासत में होती थी, लेकिन आजादी के बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसमें खुदाई का काम शुरू किया है। इस किले में सब कुछ है, हूबहू ग्वालियर दुर्ग के जैसा किला है। रानी तालाब है, बाउली मठ है, कामल शाही मंदिर है, तहखाने भी हैं और गुप्त रास्ता भी है। ये सारी चीजें इस किले को एक ऐतिहासिक किला बनाते हैं। ये किला गुमला जिले के सिसई प्रखंड से करीब 8 किलोमीटर दूर डायसागढ़ में अवस्थित है। पूरे 100 एकड़ में फैले इस किले को नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने बनवाया था। किले का स्थापत्य बहुत अद्भुत है। किला अपने समय के अभेद्य किलों में से एक माना जाता था। शायद ये किला उस जमाने के चुनिंदा किलों में से एक था जिसमें 9 मंजिलें थी। हर मंजिल पर 9 कमरे थे और कमरों में 9-9 खिड़कियां थी। शायद इसलिए इसे नवरत्नगढ़ का नाम दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल के द्वारा विगत इसी महीने में 15 तारीख से खुदाई का कार्यक्रम चालू है, जिसको हम लोग शुरू से देख पा रहे हैं। और आज से पहले जो ये सामने आप देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग गांव के बुजुर्गों से सुनते थे, बड़े बुजुर्ग से, कि ये जनता दरबार है, तहसील कचहरी है, लेकिन आज जब खुदाई हो रहा है तो क्या है उसके बारे में कुछ दीवार और भी निकल रहा है, और जिसको हम लोग 1 तल्ला समझते थे 2 तल्ला निकल रहा है। तो देखने के बाद पता चल पाएगा, जब खुदाई हो जाएगा तब पता चल पाएगा कि ये क्या चीज़ है। और खुदाई होने से इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का इतिहास जो है उसके बारे में हम लोग को सही सही जानकारी मिल पाए। दशकों तक उपेक्षित रहने के बाद 27 सितंबर 2019 को नवरत्नगढ़ किला मंदिर समूह को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। वर्तमान में यहाँ 8 सुरक्षा प्रहरी 24 घंटे तैनात रहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग रांची फिलहाल यहाँ खुदाई करवा रहा है। खुदाई में महल का अंदरूनी दरवाजा मिल गया जो पानी में डूबा रहता था, साथ ही रानी का तालाब भी मिला है जिसकी खुदाई की जा रही है। कई मिट्टी के बर्तन मिले हैं और गुप्त रास्ता भी मिला है। खुदाई में मिली चीजें लोगों को अचंभित कर रही है। खुदाई का काम 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा। रांची मंडल के की तरफ से ये खुदाई चल रही है, इसको साइंटिफिक क्लियरेंस कहते हैं, और इसका प्रारंभ 15 दिसंबर को हुआ था। अभी ये 8वां दिन है तकरीबन, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्लियर, अभी हमने खुदाई में तकरीबन 2 से 3% ही खुदाई किया है। तो जो भी अभी हमारे पास निकला है उसको हम अच्छी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा और हमें वेट करना होगा। 10 दिन के बाद जब और ज़्यादा हम खुदाई कर पाएंगे तो हम बता पाएंगे कि हाँ किस। ये क्षेत्र कभी नागवंशियों का प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा था। राजा दुर्जनशाल नागवंश के 45वें राजा थे। खुदाई का काम लगातार चल रहा है और कई ऐतिहासिक अवशेषों की खुदाई अभी बाकी है, जिनमें कमल सरोवर, लुका छुपी, जगन्नाथ मठ, सुभद्रा, बलभद्र मंदिर, राज दरबार, गणेश मूर्ति, बूढ़ा महादेव शिवलिंग, जोगी मठ और सालों भर पानी में डूबा रहने वाला जलेश्वर नाथ। यदि इन सभी की खुदाई हो गई तो संभवतः वे सारे अवशेष मिल सकेंगे जो देश के बहुत ही कम किलों में मिलते हैं। ये न केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक धरोहर होंगे। न्यूज 11 भारत के लिए गुमला के सिसई से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।